नमस्कार, वेज कुकिंग विद अनु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे आम की बहुत ही चटपटी सी चटनी। इस समय आम का सीजन चल रहा है और कच्चे आम बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल रहे हैं, तो अगर आपका सब्जी नहीं खाने का मन है या कुछ हटके खाने का मन है तो आप इस चटनी को बना सकते हैं। बहुत ही मजेदार लगती है चटपटी सी चटनी। आप इसे दाल, चावल, खिचड़ी, रोटी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट से बनाते हैं ये कच्चे आम की मजेदार सी चटनी। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 6-7 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च, आधे छोटे चम्मच काला नमक, आधे छोटे चम्मच नॉर्मल नमक, थोड़ा सा पुदीना पत्ता, 1/4 कप हरा धनिया पत्ता और 1 मीडियम साइज आम। तो सबसे पहले हम आम को डालेंगे ग्राइंडिंग जार में, और उसके बाद हरा धनिया पत्ती, पुदीना पत्ता, लहसुन, हरी मिर्च, काला नमक, नॉर्मल नमक 1 चम्मच के करीब इसमें पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए चटनी बन के तैयार है। अगर आप अभी तक नहीं खाए ये कच्चे आम की मजेदार सी चटपटी चटनी तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इस चटनी को हम लंबे टाइम तक नहीं स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने कच्चे लहसुन का यूज किया है। इसे फ्रिज में रख के आप 2 से 3 दिन तक यूज कर सकते हैं। सिंपल सी खिचड़ी को भी मजेदार बना दे रही है यहाँ कच्चे आम की चटनी। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कर हल्का बटन दबा लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पे आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।